तो दोस्तों हमने सामान वाम ले लिया है पूरा, तो हम अब जा रहे हैं ब्रिज पर काम करने। तो यहाँ से थोड़े से आगे हमारा ब्रिज है, मुश्किल से होगा 50-60 मीटर है। आ गया है तो यहाँ पर हमारे दोस्त पहले से ही काम कर रहे हैं, स्क्रैपिंग का काम चल रहा है, जंग हटाने का काम चल रहा है। तो जंग छुड़ा हटा रहे हैं ये दोस्त। ये देखिए वीर सिंह रंधावा, इसका दिमाग की दही होती हुई। और स्क्रैपर कहाँ है, और स्क्रैपर कहाँ है, स्क्रैपर ये स्क्रैपर है। और हम भी अब काम करना शुरू करेंगे, ये स्क्रैपर उठा लिया है और अब काम करना शुरू करेंगे। ये हमारा ब्रिज है, जो वीर सिंह है जो काम कर रहा है, टेक्नीशियन है, ब्रिज टेक्नीशियन है वो, जो काम पर लग रहा है ब्रिज के। जो ये देखिए दोस्तों, यानी ये जो जंग है ना, इसको छुड़ा के दोबारा इस पर पेंट किया जाएगा। पेंट करने से क्या ब्रिज की लाइफ बढ़ जाती है। इसको छुड़ाने के लिए ये ऐसे इतना बड़ा स्क्रैपर दिया जाता है, कहता है इससे इसको छुटवा के। और ये नीचे से व्हीकल्स जा रहे हैं तो बहुत सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी के ऊपर गिर जाए, बहुत कुछ ध्यान रखे हुए काम किया जाता है। और ये इधर भी काम कर रहे हैं, ये दोनों टेक्नीशियन हैं रेलवे में, ये भी स्क्रैपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये तीन ब्रिज है जिनकी हमें स्क्रैपिंग करना है, तो फिर उसके बाद में पेंट करेंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। हमारा काम हो चुका है और अब हम चाय पीने जाएंगे सब के सब। तो देखिए आपने इस ब्रिज पर जो हमने वो काम किया वो आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये वीर सिंह रंधावा काम करते हुए। आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हो इस ब्रिज पे? ब्रिज का काम लगभग आज का काम ख़त्म हो चुका है, और यानी 10 दिन के अंदर इसको पूरा स्क्रैप करके पूरी जंग को हटा के इसमें पेंट कर देंगे। सबसे पहले इसमें रेड एक्सल पेंट किया जाएगा, उसके बाद में येलो पेंट किया जाएगा, और लास्ट के अंदर वापस रेड एक्सल कर दिया जाएगा। वैसे इन पर एल्युमिनियम पेंट रहता है, लेकिन नॉर्मली इस पर रेड एक्सल पेंट ही किया जाता है। तो अब हमारा काम थोड़ा ख़त्म हो गया, तो हम जाएंगे चाय पीने के लिए। और हम रेलवे ब्रिज स्टाफ हैं, और ये देखिए ये से पश्चिम बंगाल से है और मैं राजस्थान से हूँ, और हम तमिलनाडु में भी काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कितने साल हो गए? मेरे पर 2.5 साल हो गए। भाई को 2.5 साल हो गए और मेरे को तो 7 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का मौसम भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई भी भाई अगर ब्रिज में ज्वाइन करता है तो बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम भी नहीं रहता और ज़्यादा मेंटली प्रेशर भी नहीं है, और इसमें नॉर्मली ज़्यादा अगर TA वगैरह अच्छा मिल जाता है। और इसमें थोड़ा रनिंग का काम रहता है, क्या ट्रेवलिंग ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ब्रिज तो एक जगह रहता नहीं ना, दूर दूर रहते हैं, तो ब्रिजों पर जाना पड़ता है, अपने डिवीजन से दूर जाना पड़ता है, ऐसी दिक्कत है। लेकिन और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा TA मिल जाता है, काम भी ज़्यादा नहीं है, और इसके आप लोगों को घूमने भी मिल जाएगा, और घूमने के लिए भी आपको यानी नई नई जगह पर घूमने के लिए मिल जाएगा। और एक बात, किसी का एक्साइटमेंट है ना तो ब्रिज में ज्वाइन कर लेना, इतना जगह घूमने के मिलेगा ना रेलवे को, और दूसरे कोई डिपार्टमेंट में ऐसा घूमने का जगह नहीं मिलेगा। यानी ब्रिज में जितना घूमने की फैसिलिटी है वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगी। देखिए दो फैसिलिटी है, एक घूमने का भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, काम भी करोगे पैसे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा भी मिलता है इसमें, में ऐसे नहीं मिलेगा। 10,000 से 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक नॉर्मली TA बन जाता है हमारा। तो वीडियो को देखिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।